शायद गोरखपुर से चुनाव की प्रक्रिया में बिल्कुल छलांग लगाने के बाद ये आपका शायद पहला इंटरव्यू है, तो लोगों का ये कहना है कि गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा की बातें हो रही थी तो गोरखपुर क्यों? सेफ सीट है इसलिए? देखिए, मैं पहले तो टाइम्स नो और टाइम्स नो नो भारत को धन्यवाद दूंगा कि गोरखपुर के लिए मेरी घोषणा के बाद आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। देखिए, पार्टी का अधिकार है और मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। गोरखपुर, अयोध्या या प्रदेश की किसी भी सीट पर, देखिए मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का हूं तो प्रदेश की सभी 403 सीट पर मेरी पकड़ होनी चाहिए, इसलिए यह अधिकार पार्टी का मैंने पार्टी को ही दिया था। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहेगी किस सीट पर लड़ना है, तो मैंने कहा उसी सीट पर लड़ूंगा। गोरखपुर मेरे लिए नया नहीं है, गोरखपुर से मैं 5 बार सांसद रहा हूं, स्वाभाविक रूप से मेरी परंपरागत सीट है, मैं पिक एंड चूज नहीं किया, वहां से मैं जुड़ा रहा हूं, वहां मेरी जड़ें हैं और मुझे वहां से चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, संसदीय बोर्ड के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये तो बहुत विनम्र सा जवाब हुआ योगी जी, क्योंकि बड़ा प्रिडिक्टेबल सा जवाब है, जबकि इलेक्शन सब कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल हुआ करते हैं, इसमें पता नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तिगत चुनाव कहाँ से लड़ने का आपकी इच्छा थी? देखिए, जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहता है तो उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता है। हम एक विचारधारा, एक पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के अनुशासन और पार्टी के नियमों के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी जिस सीट से कहती, मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि पार्टी जिस सीट से कहेगी, जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे और उसी सीट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं जहां से पार्टी मुझसे कही है। आपको अजीब नहीं लगता कि पहले विपक्ष कहता था कि इस बार गोरखपुर से नहीं लड़ेंगे, गोरखपुर के जो बाईपोल के रिजल्ट 2018 में थे वो अच्छे नहीं थे, अब देखना मथुरा अयोध्या कहीं से लड़ेंगे, अब वही लोग कहते हैं कि घर वापसी हो रही है गोरखपुर में क्योंकि वो सेफ सीट है? अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है कि मथुरा और अयोध्या की बातें हुई लेकिन गोरखपुर? देखिए, मैं इसीलिए बोलना चाहता ना कि वही अगर मैं अयोध्या से लड़ता तो लोग बोलते गोरखपुर से भाग गए, मैं मथुरा से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी सीट से लड़ता तो लोग मुझे यही कहते, मैं बुंदेलखंड या कहीं और से लड़ता वहाँ से भी लोग मुझे यही कहते। आज जब मैं गोरखपुर से, जिस सीट पर मैं 5 बार सांसद रहा हूँ, वहाँ से विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी ने मुझे वहाँ से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, गोरखपुर की सीट वंशवादी, जातिवादी, परिवारवादी सोच की सीट नहीं, और उस सीट पर उसी मिथक को तोड़ने के लिए, आखिर अखिलेश यादव भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी तो किसी 403 विधानसभा सीटों पे जाके देखना चाहिए ना, क्यों उस सीट पर जाते हैं जिस सीट पर जाति विशेष का वोट ज्यादा है? ये एक सामान्य अंतर है, यह अंतर वही जो चुनाव में साफ दिख रहा है। हम लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रवाद सबको सुरक्षा और सबकी आस्था का सम्मान का प्रतीक है, उनके लिए चुनाव एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने का साधन है और सत्ता वंशवादी,
परिवारवादी विकृत मानसिकता को आगे बढ़ाने का एक उनका प्रतीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सत्ता में आएंगे, अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेंगे, उससे इतर सोच नहीं सकते, न गांव का, न गरीब का, न किसान का, न नौजवान का, न महिलाओं का, न व्यापारियों के बारे में, समाज के किसी भी तबके के बारे में। प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं, देश और दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं, और फिर ऐसे लोगों से उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? जो व्यक्ति 12 बजे सो के उठता हो, उसके बाद तैयार होने में 2 घंटे लगते हो, फिर उनके जैसे बच्चों की तरह साइकिलिंग का समय आ गया हो, फिर ट्यूटर आकर के बताएंगे कि आज ये चीज रट करके बोल देना मीडिया में, उतना बोल करके फिर वे अपनी साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। ये इससे प्रदेश नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चलाने के लिए जज्बा चाहिए, उसको चलाने के लिए पेन लेना पड़ेगा, सम विषम परिस्थितियों में हिम्मत खोए बगैर आगे बढ़ना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में यह करके दिखाया है।